क्वेश्चन नंबर 16, कॉम्प्लेक्स नंबर, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इफ एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, देन शो दैट। ये जो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हमें जो कंडीशन गिवन है हमने वो लिख ली। अब इससे सॉल्व करना शुरू करते हैं, फिर लास्ट में इसको इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। तो जो हमारे पास ये है ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, वैसे हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। ये हमारे पास फॉर्मूला, इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस, ये हो गया आयोटा वाई बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² बी स्क्वायर मीन्स आयोटा वाई का स्क्वायर, ए मीन्स एक्स, और उसके बाद ये वैल्यू हम ऐसे की ऐसे लिख देते हैं यू प्लस आयोटा वी। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो ये होगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा आयोटा क्यूब और वाई क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा 3x² वाई आयोटा वाई, और यहाँ आ जाएगा 3iy² x, और यहाँ से आ गया यू प्लस आयोटा वी। ये आ गया, आगे हमें यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं iy² × iy, और iy² की वैल्यू हमें पता है -1, तो ये हो गया -iy, तो यहाँ से आ गया एक्स क्यूब और ये हो गया -iy³, और यहाँ से तो कुछ चेंज होगा नहीं, x² y² वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे iy² है तो ये माइनस का हो जाएगा 3y² x, और ये हो गया u प्लस आयोटा वी। अब इसमें से कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा आगे, अब हम इसमें क्या करते हैं रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट एक हमारे पास एक्स क्यूब है और एक है हमारे पास ये, और इमेजिनरी पार्ट ये दोनों, तो इनको अलग करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3y² x, और इमेजिनरी पार्ट में है वाई आयोटा वाई क्यूब, और यहाँ पे है 3x² y² u प्लस आयोटा वी। अब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 3y² x, इसमें से हम क्या करते हैं आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, आयोटा को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई क्यूब, और माइनस कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x² y इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, और ये हमारे पास माइनस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, पर यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, तो तभी हमारा ये होगा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो पहले इसको हम प्लस का कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3y² x, इस माइनस को अंदर कर देते हैं, जब इस माइनस को अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा, और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की 3x² y, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की वाई क्यूब। ये आ गया यू प्लस आयोटा वी। अब हम रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कर देते हैं, तो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे इससे और इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3y² x इक्वल टू यू, और यहाँ से आया 3x² y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वी। ये हो गया इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें यहाँ पे देखो u अपॉन x प्लस v अपॉन y दिया था इक्वल टू 4x² प्लस y² के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास पहले इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये हो गया u अपॉन x प्लस v अपॉन y दिया हुआ है, तो इसमें u की वैल्यू, उसमें v की वैल्यू पुट करते हैं।
यू की वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3y² एक्स अपॉन यहाँ पे नीचे x, उसके बाद v, v की वैल्यू हमारे पास 3x² y माइनस y³ अपॉन यहाँ पे नीचे है y। अब इसमें और इसमें दोनों में x है तो हम x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया x² माइनस 3y² नीचे आ गया x। यहाँ पे दोनों में y है तो हम y कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस y², यहाँ पे वाई, वाई से वाई कैंसिल, ये एक्स से कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y². अब यहाँ देखो 1x² 3x² कितना हो गया 4x², उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4y², दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस y², तो ये हमने प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई ये, तो हैंस हमने प्रूफ कर दिया कि u अपॉन x प्लस v अपॉन y क्या आ गया इसके इक्वल, हैंस प्रूफ।